साढ़े आठ बज गया है और मैं 7:30 बजे ही उठ गई हूँ, नहा धो के रेडी हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज का न्यू ईयर स्टार्ट करते हैं भगवान जी से। आज ये भी जल्दी उठ गए हैं पता नहीं क्यों। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो चलते हैं, काकी माँ रेडी हो रही, काकी माँ के घर गए थे, रेडी हो जाएगी तो खुद फ़ोन करेगी, फिर जाएंगे मंदिर। चाय बन गया है, आके नाश्ता बनाएंगे। चलिए आपको दिखाते क्या बना रहे। तो ये सुबह सुबह भाप ले रहे, गाना सुन रहे हैं और मैं चाय बिस्कुट बना के दे देती हूँ सुबह सुबह इनको, क्योंकि मंदिर जाना है। और आलू का परौठा बनाएंगे, चाय बिस्कुट अभी देके चले जाएंगे, आके मंदिर से नाश्ता बनाएंगे। सरप्राइज, खुश हुए? तो बोलो हम नाश्ता क्यों बना दिए इतना जल्दी? क्यों बना दिए? ये तुम्हारा मम्मी का बात मेरे को याद आ गया। मम्मी बोली भगवान से पहले अपना पति को खाना खिलाओ, पति भूखा रहेगा तो भगवान को भी पूजा करने से फायदा ही नहीं है। पहले पति को पेट भरो, उसके बाद भगवान को पूजा करो। भगवान जी भी यही चाहते हैं, नहीं तो हम तुमको चाय बिस्कुट देने वाले थे, तुमको पता है। हाँ जो भी, तुमको मम्मी का बात याद आएगा इसलिए हम तुम्हारे नाश्ता जल्दी बना दिया फटाफट, और तुम खुश भी हो गए। तो मम्मी जी का कुछ बात मेरा काम आया, थैंक यू मम्मी जी, ऐसे मुझे बात सब समझाते रहिए और मैं आगे करती रहूँगी, क्योंकि ऐसे माइंड तो चलता नहीं। कोई बड़ा का बात याद रहता है दिमाग में तभी माइंड चलता है, नहीं तो हम नहीं बनाते अगर मम्मी का बात हमको याद नहीं आता तो। थैंक यू सासू माँ। पानी भी भरता हूँ अभी, एक काम खत्म नहीं होता है, गर्म पानी भर दे, बिस्तर चेंज किए सुबह सुबह। न्यू ईयर के दिन ज्यादा काम तो रहेगा ही। अच्छा न्यू ईयर में लग रहा कि पर्व आ गया तुम्हारे लिए, काम रहेगा ही। तुम कुछ मत करो, खाली ऑर्डर दो, क्या होगा। तो गर्म पानी करके डाल दिए इनके बोतल में, चलते काकी माँ के घर। काकी माँ फोन कर दिए, बुला रही है, चलते हैं। काकी माँ का फोन आ गया है। और कैसा बना परोठा? अच्छा बना, जल्दी में भी। चलो तुम खुश तो फिर भगवान जी भी खुश। तो चलते हैं, काकी माँ का फोन आ गया है। हैप्पी न्यू ईयर टू तुमको भी, सेम टू यू। तो सफाई कर देना 5 मिनट बाद, भैया खाना खा रहा, सफाई कर देना जल्दी, हम मंदिर जा रहे हैं। मंदिर मंदिर ठीक बा काकी। ना तुम अच्छा लग रहा है, इधर आ, पहले रुको, सवाद ले लेगा तुम्हारा दोनों हाथ में। हैप्पी न्यू ईयर बाबा। सासू माँ बोला पहले पति को खुश रखो, उसके बाद भगवान खुश रहेगा, इसलिए जल्दी रास्ता बना के दे दिया। ठीक है, इसमें दूध दही घी मधु गंगा, आज तो भगवान जी तुमसे इंप्रेस हो जाएगा। जब शिविर माता झालबो तक तुलबे। ठीक है, सुबह सुबह गाय को खाना मिल गया, वेरी गुड। डॉग को नहीं मिला, वेरी बैड। भैया और काकी माँ आगे है। तो यहाँ प्रसाद काकी माँ और मैं ले ली, नारियल और फूल, खुला फूल और एक माला। तो चलिए यहाँ ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। जी और एक पैकेट है, और एक पैकेट है लूज फूल, और एक पैकेट है। कितना हो? हाँ 6 ठो भैया। सुनो कितना भीड़ है। यहाँ सब फकीर लोगों को मैंने 5-10 करके सबको दे दिया, उसके बाद चलते हैं। ठीक है, तूल रहा है, पूजा तो अच्छे तरह से। चलो डोसा खाओ, डोसा खाएगा सुबह सुबह। चलो
तो चलो काकी माँ मुझे डोसा खिला रही है, हम भी डोसा खिला लेते हैं सुबह सुबह। तुम खाएगा काकी माँ डोसा, काकी माँ खाएगा, मैं खाऊंगी मसाला, भैया भी मसाला दे। पूजा अच्छा से हो गया, पूजा खत्म हो गया, पूजा खत्म के बाद नाश्ता नाश्ता करो, भगवान खुश, अब आदमी खुश हो जा रहा है। आज अच्छा हैप्पी न्यू ईयर गुजरा, बोलो हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरे माता के माँ के तरफ से, हैप्पी न्यू ईयर। डोसा आ गया है मेरा, काकी माँ का, ये भैया का, आप लोग भी आ जाइए खाने। हाँ तो इसलिए तो वीडियो बना लिए, याद रहेगा इस साल तो काकी माँ के साथ बिताया हमने। भैया जब शादी हमें तुम्हारी निमंत्रण, ओ बाबा भैया के घर में कब शादी होगा, तब तक मेरा बच्चा छोटा रहेगा तो हम लेके नहीं आ पाएगा। बच्चा छोटा तो यही चलेगा, बच्चा डिस्टर्ब करता है ना, काकी माँ बच्चा रखेगा। तो अभी भी वीडियो एंड करते, पूजा पाठ हो गया, रास्ता हो गया। आपको मेरा नई न्यू ईयर कैसा लगा, मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को मेरा न्यू ईयर कैसा लगा बताइएगा जरूर। बाय।